अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी है, जिसका नाम है चिकन कोरमा। देखने से ही आ गया हो आपके मुंह में पानी, तो इसे एक बार जरूर ट्राई करें। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें। आइए तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? सुरैया किचन में आपका फिर से स्वागत है। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले चाहिए 3 बड़े प्याज कटे हुए, हरी मिर्च कटी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा गरम मसाला, जो नॉर्मल गरम मसाला होता है वही हमने यहाँ पे लिया है। हमने यहाँ पे 750 ग्राम चिकन लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल डाल के गरम कर लेंगे, और तेल के गरम हो जाने के बाद इसमें गरम मसाले डाल के उसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो जाने के बाद अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब हम इसमें कटा हुआ मिर्ची डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हमारा प्याज फ्राई हो गया है थोड़ा सा। अब इसको चम्मच से थोड़ा सा हिला देंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और अच्छे से चम्मच से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम अपना चिकन डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 2 चम्मच और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। अब इन सबको चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे सारे मसाले मिक्स हो जाएं अच्छी तरीके से। अच्छे से चम्मच से हिलाते रहेंगे और इसको कुछ देर तक फ्राई कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 10 मिनट हमारे हो गए हैं। इसको चम्मच से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है आपको। मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए ढक के और पका लेंगे। 2 मिनट हमारे हो गए हैं। अब हम इसे खोल के देख लेंगे और चम्मच से अच्छी तरीके से हिला देंगे। हम इसे ढक ढक के इसलिए पका रहे हैं ताकि हमारा चिकन अंदर से बिल्कुल पका हुआ हो जाए। चम्मच से हिलाने के बाद अब हम इसमें दही डाल देंगे। हमने यहाँ पर 1 कटोरी खट्टी दही ली है। अब हम इसे चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। दही ढालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। दही ढालने के बाद जो इसमें जो खट्टापन आया है उसको बैलेंस करने के लिए इसमें थोड़ा सा चीनी डाल देंगे। ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए और इसे पका लेंगे। 10 मिनट हमारे हो गए हैं। ये देखिए, जो हमने दही डाली थी उससे पानी निकल चुका है, तो हमें एक्स्ट्रा वाटर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं होता है। इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए हिलाते रहेंगे। ऐसे हिला हिला के हम 2 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। 2 मिनट हमारे हो गए हैं। अब इसको निकाल के प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए कितनी जल्दी बन गया, एकदम फटाफट। तो आप इस रेसिपी को कभी भी ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और एकदम झटपट बन जाता है। आप इसे रोटी या चावल, यानी कि दोनों चीज़ों से खा सकते हो। देखने से ही ये कितना बढ़िया लग रहा है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए मैं अपना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही यूनिक और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।